अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद हंजला जमीर फ्रॉम प्रोजेक्ट लीगल गाइडेंस ऑफ jurist.pk. द टॉपिक फॉर टुडे सेशन इज व्हाट टू डू इन योर लॉ स्कूल टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर विद बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम. बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम इज अ मैनेजिंग पार्टनर एट कयूम्स एंड एसोसिएट्स. ही इज अ सिविल एंड कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट एंड ही डिलीवर्ड सेवरल लेक्चर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान. सो बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you. Thank you for having me. Honor for me to talk to so many young friends. Can you hear me? People who are intending to. जी जी मुझे आपकी क्लियरली आवाज आ रही है. आपको आ रही है सारे तमाम दोस्तों को? जी सर. चलें ठीक. Audience, this session consists of two portions. The first portion will be a lecture based, and in second portion we will conduct a question and answer session. And we will put your questions before our guests. So please drop your questions in the comment section, and we will try our best to put your questions before our honorable guest in the question and answer session. So what to do in your law school to become a successful lawyer? Barrister Ahmed Kayum Saab, over to you, sir. Thank you, sir. Hanzala Saab, एक चीज आपसे मैं सिर्फ चेक करना चाहूंगा, उर्दू में करना चाहेंगे, अंग्रेजी में करना चाहेंगे कि इंग्लिश में मिक्स करके दोनों का किया जाए? बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप दिस इनफॉर्मल तमाम दोस्तों को, ताकि समझ भी बेहतर तरीके से और खुल के यहाँ पे बात की जा सके. सो आपकी कोई प्रेफरेंस आई बिलीव नहीं है? ओके चलें ठीक, फिर इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में भी होगा, उर्दू में भी होगा, अगर पंजाबी की भी जरूरत हो. चलें ठीक है, इंशाल्लाह उर्दू के अंदर ही बिस्मिल्लाह करते हैं. यार देखो, आप तमाम दोस्तों को एक तो खुशामदीद, और मेरे लिए ऑनर है, jurist.pk का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इनवाइट किया यहाँ पर. प्रैक्टिकल मेरा काफी एक्सपीरियंस प्रोफेशन में रह चुका हुआ, तीसरी पोस्ट है मेरी वकालत के अंदर. और अब एक कैवियट आपको शुरू में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी डिग्रीज यहाँ से पाकिस्तान से नहीं है. मैंने LLB जो की थी पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में BA किया था. उसके बाद मैंने आगे जाकर जो लॉ किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, सेंट जॉन्स कॉलेज से LLB किया, और उसके बाद फिर बार करके बैरिस्टर बन के यहाँ पाकिस्तान वापस आ गया. सो आप सारे दोस्तों से थोड़ा थोड़ा सा टिपिकली मैंने जो लीगल ट्रेनिंग लॉ कॉलेज है पाकिस्तान के अंदर बतौर स्टूडेंट नहीं एक्सपीरियंस किया. हाउएवर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में, और मुख्तलिफ जगह के ऊपर मैं पढ़ाता रहा हूँ, और काफ़ी एक्सटेंसिव मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. 5-6 साल मैंने पढ़ाया है एक्सटेंसिवली, हर नौयत के लोकल LLB, एक्सटर्नल LLB सारे पढ़ाए, तो उधर से मुझे थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में मालूम है, और वहाँ से ही क्या मामला आया, और बेशुमार आपके दोस्त, और दूसरा एक्सपीरियंस जो आप दोस्तों से मैं बात करूँगा इस टॉपिक के ऊपर एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉयर और बार लीडर एज वेल, क्योंकि मेरा बेशुमार टाकरा और एसोसिएट्स, बेशुमार मेरा अगर कोई वर्षा है प्रोफेशन में वो है कि बेशुमार एसोसिएट्स ने ज्वाइन किया और उनको ट्रेन करके आगे बहुत अच्छे अच्छे होदों पर भी लगे हुए हैं, काफ़ी सक्सीड, ज़्यादातर ने सक्सीड भी किया, कईयों ने नहीं भी किया. कौन अच्छे वकील होते हैं, कौन बुरे होते हैं, रखने को तो मैं तकरीबन हर बंदे को ही अपने पास रख लेता हूँ एज एन इंटर्न कम अज कम, मगर देखने में ये आया कि जब हर हर किस्म के आप दो लड़के को बीच में रखना शुरू करेंगे, कौन कॉम्पिटेंट होते हैं, किन के पास स्किल्स मौजूद होते हैं सक्सीड करने के, और किन के पास नहीं होते. और मैंने वहाँ पे ये प्रिंसिपली एक्सपीरियंस किया कि हमारा जो लीगल लॉ, लीगल एजुकेशन का जो सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर लॉ स्कूल्स का, खास तौर पर वो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है, और वो आपको प्रोफेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं करता, और बिल्कुल ना सिर्फ आपका जो है सिलेबस है वो आउटडेटेड है, बल्कि सारे की सारी अप्रोच अगर आप लॉ स्कूल के अंदर देखें तो एक तरीके से डिजास्टर इस तरीके है कि प्रैक्टिकल चीज़ें तो आपको सिखाई नहीं जाती. गाइड कल्चर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो चुका हुआ है कि एग्जाम पास करने के भी एक तरीके हैं कि पुरानी जूस स्टूडेंट्स की किताबें आपको पढ़ाई जा रही हैं, महाजन की, जिनका आपके प्रोफेशन से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, हेडिंग्स बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, ज़्यादा सफ़े भर के आप लंबे लंबे मजामीन लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं. अदरवाइज यहाँ पे कम अज कम मेरा जो एक्सपीरियंस था सारे का सारा पंजाब यूनिवर्सिटी, कम अज कम लोकल लोकल सिलेबस के अंदर, दैट आई फाउंड टू बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग.
और ये चीज तो मुझे क्लियर और आया है कि अनफॉर्चुनेटली आपको शायद अच्छा ना लगे, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको प्रोफेशन के लिए तैयार कर ही नहीं रहा मुकम्मल तौर के ऊपर। और आप जब एक मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस के साथ प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यू आर मिसफिट्स, और आप एडजस्ट करने में आपको कई तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते और कई जो एडजस्ट करते हैं उनको टाइम लगता है। सो आप तमाम दोस्तों के लिए आज की गुफ्तगू का मकसद ही ये है कि क्या क्या चीजें आपको समझाया चाहिए, आपसे डिस्कस किया जाए कि प्रोफेशन में क्या क्या चीजें करनी की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और अगर आपको लॉ कॉलेजेस वाले नहीं पढ़ा रहे, वो तो किताबें और आपने इम्तिहान के अंदर चीजें लिखकर आपने पास कर लेना है, मगर जो चीजें आपको प्रोफेशन की तरह जिन चीजों की जरूरत है उनके बारे में आज बात करेंगे कि क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहले ये समझें कि ये प्रोफेशन जो है प्रैक्टिकल लोगों का प्रोफेशन है। भाई करते कैसे हैं, कौन से रंग के, कितने साइज के कागज के ऊपर क्या चीज आपने लिखनी है, वो लिख के आपने कहाँ पे जमा करवानी है, कौन से कोर्ट में जानी है, सिविल कोर्ट में जानी है, वहां पे किस बंदे से जाके आपने मार्क करवानी है, वो बंदा कहाँ पे आगे भेजेगा, वो प्रैक्टिकली क्या होगा, उसके बाद ऑर्डर कैसे होगा, ऑर्डर की कॉपी कहाँ से हासिल की जाएगी, कानूनी आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट्स करना और प्लेंट बनाना एक हिस्सा है, मगर बाकी चीजें कैसे करते हैं और किस तरीके से उनको एक्सपीरियंस करना और क्या करना, वो प्रोफेशन का बहुत अशद और एसेंशियल हिस्सा है। और उन चीजों के लिए आपकी ट्रेनिंग वगैरह लॉ स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आपके यहाँ तक तो कि ड्राफ्टिंग और चीजें लिखने की भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती, तो बहुत या अगर होती है तो बहुत नॉमिनल मूर्ख भी आप साल में एक दो करवा लेते, बोलने की तैयारी वगैरह नहीं होती। तो इम्पोर्टेंट चीज आपके दोस्तों को समझने की सबसे पहले ये चीज है कि आप इंतजार नहीं कर सकते प्रोफेशन में घुसने से पहले कि भाई मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं जब मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। आप दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अभी से वकालत के जिस साल के अंदर भी हैं, दूसरे में हैं, तीसरे में हैं, आप तो शायद 5 साल के बीच में डिग्री हो गए, आप साथ शायद दोस्त अभी तीन साल वाले के अंदर, आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दें और स्किल्स अभी से अपने बेहतर करने शुरू कर दें, क्योंकि रियल लाइफ बहुत सख्त है और वहां पे मुकाबला जैसे कहते हैं बहुत सख्त है और वक्त भी आपके पास कम होता है और बहुत यहाँ पे कट थ्रोट मामला है। अगर आपने सक्सेसफुल वकील बनना है, वक्त आप जाया नहीं कर सकते और अपने आप को अगर अभी से इम्प्रूव करना शुरू करेंगे तो ही आगे जाके प्रोफेशन के अंदर आप सक्सीड करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, वकील क्या करता है, अच्छा लीगल एजुकेशन के बारे में तो हमने बात कर ली, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या स्किल्स वकालत के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है आपके लिए कि आप अपने आप को एनालाइज करें कि इस प्रोफेशन के लिए क्या क्या जरूरियात हैं और क्या वो मुझ में मौजूद हैं कि नहीं, आप अच्छा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, आप अच्छा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप किताबें अच्छी पढ़ के रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीजें आपने डिटेल के अंदर जाकर अपने आप को एनालाइज करके आप खुद अपने आप को आपसे बेहतर आपको कोई कोई नहीं जानता होगा, आपके टीचर्स भी शायद नहीं, ये आपने एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, किन चीजों के अंदर आप स्ट्रांग हैं, किन चीजों के अंदर आप स्ट्रांग नहीं हैं, इनको आप एनालाइज करेंगे और ये जो स्किल्स हैं एक वकील के लिए जो एसेंशियल जरूरत होती है, और ये स्किल्स निरे सिर्फ इनकी जरूरत नहीं होती और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, वो आपने कैसे हासिल करने और क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग आपके जहन के अंदर, आपका वकील का एक जहन आम बंदे के जहन से मुकम्मल तौर पर फर्क होता है, वकील के जहन में हर वक्त ये सवाल होता है कि भाई मैं क्या कहूंगा तो केस बेहतर बनता है, क्या नहीं कहूंगा तो केस खराब होगा, कहां एग्जाम्स पास करने के लिए तो आपको शायद ऐसे लिखना पड़ता है लेकिन वकालत में ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, वकालत के अंदर ना अच्छे नंबर लेने के लिए तो आप ऐसे लिखते हैं लेकिन वकालत में प्लेंट्स होते हैं और बेशुमार चीजें, बहस के लिए आपको 1.5-2 मिनट ही मिलता है कोई जज के सामने, ये कम से कम इंप्रेशन बनाने के लिए 20 मिनट भी आप बात कर लें, नुक्ते पे आप कैसे आते हैं और इंपॉर्टेंट नुक्ता किस तरीके से किसी चीज के अंदर आप आर यू एबल टू कम टू द पॉइंट और नॉट, ये एबिलिटी एक वकील के लिए बहुत एसेंशियल होती है और इसको आपने जनरेट करने की जरूरत है, ये आपको लॉ कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, बोलना नहीं सिखाया जाता, लिखना नहीं सिखाया जाता, लिखने के लिए भी आपको असाइनमेंट्स अगर कही जाती है तो आप मुशक्कत के तौर के ऊपर कंसिडर कर देंगे जी हो जाए, अगर आपको लिखना नहीं आता होगा, आप लिखना नहीं अगर यहाँ पे सीखेंगे या पढ़ना नहीं सीखेंगे तो जब कमाई के लिए जरूरत पड़ेगी ये कोई ऑटोमेटिकली स्विच नहीं है कि जब जरूरत पड़ेगी तो खुदा की तरफ से सारा हो जाएगा, ये स्किल्स हैं और एबिलिटीज हैं जो कि आपने अपनी जनरेट करनी है और आपने इम्प्रूव करनी है।
सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, अगर बहुत अच्छा आप बोलते हैं तो ठीक है, उस पर काम करें और बेहतर बोलने की कोशिश करें, इसको वेपनाइज करने की कोशिश करें. और अगर आप पढ़ाई की तरफ से माठे हैं या कोई आपको अच्छा नहीं पढ़ा जाता तो उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, किताबें कैसे करते हैं, मटीरियल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, और अपना जो बोलने का अच्छा अंदाज है उसको इस्तेमाल करके आप बेहतर कर सकें. या फिर आप पढ़ाकू हैं मेरी तरीके से मुकम्मल तौर पर, मैं बोलने में कोई इतना खास अच्छा नहीं था और शायद अभी भी मेरी टांगे कांपती हैं और मैं झिझकता हूँ जब बहस वगैरह कर रहा हूँ. आई एम वेरी वेरी शाय, अगर आप जनरली देखें, ये कम अज कम था किसी जमाने के अंदर. मैं वकालत के अंदर इसलिए आया क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था, और प्रिंसिपली मैंने जो चीज सीखी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, किताबें पढ़ने में बहुत अच्छा था, नुक्ता लेके फिर उस पर फोकस कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बार बार करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चीजें पॉइंट आउट आपको ये करना चाह रहा हूँ, और इतनी लंबी लंबी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप लोगों को अपना जहन और अपने एटीट्यूड और अपना जो इंटेंसिटी है, सिर्फ आप स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आए, अब उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके, चूंकि आपने इस्तेमाल करके अब प्रोफेशन के अंदर जाना है, यू कैन नॉट गो अहेड एंड इंतजार ये करें, बिकॉज दिन साल के अंदर हम इतने लोगों को वकालत के प्रोफेशन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आप सारों के लिए कुर्सियां यहाँ पे मौजूद नहीं है मुख्तलिफ चेंबर्स के अंदर. आपको अगर कोई रख भी लेगा तो किसी के कहने के ऊपर रख भी लेगा अंटिल आपके स्किल्स एक अच्छे लेवल के हों, जहाँ पे आप यूजफुली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किसी ने आपको पैसे नहीं देने. ये सच्ची बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, लोग यहाँ पे बीच में छुपाते हैं, बट प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा, और ये कंपेटिटिव प्रोफेशन है, एक बंदे ने जीतना है, एक बंदे ने हारना है. वो बंदा जो अपने वीक स्किल्स की वजह से हारता ही रहे, उसको किसी ने अच्छा वकील तसव्वुर नहीं करना. और हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल वकील बनने के लिए किन किन चीजों की आपको जरूरत है. तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी कमजोरियां, अपनी स्ट्रेंथ्स आप आइडेंटिफाई करें और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें. और अच्छा वकील क्या, सबसे पहले एक अच्छे जहन से शुरू होता है, और वो क्या किस चीज से करता है, एक वकील का तरीका जो है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है. सबसे पहले आप ये एनालाइज करेंगे और बैठ के ये करेंगे कि अच्छा भाई कर प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि मैंने सिस्टम में मुझे मदद नहीं की जा रही, मैंने एक अच्छा वकील बनना है और सक्सेसफुल वकील बनना है. तो सबसे पहले बैठ के आपको ये एनालाइज करना चाहिए. वकील बनेंगे कैसे वो तो पहले बाद में होगी, पहले फर्स्ट व्हाट यू डू इज ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स एलिमेंट्स, टुकड़ों में तोड़ें कि अच्छे वकील के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, अच्छा वकील क्या क्या चीजें करता है आउटस्टैंडिंग लॉयर का. और मेरे से अगर आप पूछें तो ये आप अगर मैंने स्लाइड्स भी पहले शेयर की हुई उनमें देखें, अच्छा वकील सबसे पहले जहन से शुरू होता है. वो क्लियरली नुक्तों को और किसी भी मुसीबत को 6000 सफ़े उसके सामने रख दिए जाते हैं, भाई ये मसला है, उसमें से अखज करके ही कम्स टू द पॉइंट कि 6000 नुक्तों के अंदर कानूनी नुक्ता ये है कि जिस बंदे ने फलां ऑर्डर किया है 6000 डॉक्यूमेंट्स के अंदर से, वो उसके पास ज्यूरिसडिक्शन थी कि नहीं, वो ऑर्डर कर सकता था कि नहीं. जितनी बड़ी से बड़ी किताब आपके पास आएगी और अच्छे वकील की, और आपको किताब में पढ़ाई भी वकालत में बेशुमार इसलिए जाएंगी और आपको पढ़नी भी इसलिए चाहिए कि आपको एक अपने आप को डेवलप करना है कि मतलब अखज करने का, उसमें से निकालने का, कि इसका मतलब क्या है, और कम से कम नुक्तों के अंदर या मोस्ट इफेक्टिव तरीके से कमिंग टू द पॉइंट और जज को एक बंदे को कन्विंस करने का. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली आपकी एक वकील के लिए, आउटस्टैंडिंग लॉयर के लिए ये होती है, सक्सेसफुल लॉयर की ये होती है कि उसका जहन कैसा है, उसके अपने जहन के ऊपर कहानियां डालता है कि नुक्ते पे आ सकता है. कई कई वकील कहानियां डाल के भी जज को हंसा के भी थोड़ी बहुत रिलीफ ले लेते हैं, लेकिन जो सुपर सक्सेसफुल वकील हैं वो कानून के ऊपर दे हैव द एबिलिटी टू कम टू द पॉइंट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये स्किल जो आपके पास होना चाहिए, लर्न हाउ टू कम टू द पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज के आपने वकालत सारी चीजें एक साइड के ऊपर रख लें कि वकालत एडवोकेसी की बात कर रहे हैं, चैम्बर वर्क की भी हम बात नहीं कर रहे. वकालत इज अबाउट विनिंग योर केस. केस कैसे जीते हैं, एक बंदा बैठा होता है जज, उसको आपने कन्विंस करना है कि वो कागज पे आपके फेवर के अंदर कोई चीज लिखे और दूसरी पार्टी का केस जो है उसको रद्द करे, यानी द एबिलिटी टू कन्विंस. कई बंदों को आप कानून के जरिए करते हैं, कई को आप बहस करके करते हैं, कई बंदों को आप मैन मैनेजमेंट अच्छे अंदाज के अंदर बहस करके, या आप उनके उनकी ह्यूमैनिटी को या उनके उनकी कोई सोशल कंसर्न्स वगैरह को एड्रेस करके कि जी ये चीज़ यूँ होगा तो देखिए अवाम का नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट के फॉर एग्जाम्पल वकील हैं, यू लाल गवर्नमेंट का काम बंद हो जाएगा. यू ट्राई टू
बेसिकली एबिलिटी ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी एक वकील को इम्प्रूव करना, कि टू रीड, बी एबल टू रीड पीपल, रीड द जज, और उसके मुताबिक अपनी प्लेंट, हर प्लेंट तो ड्राफ्ट करते हुए आप ये नहीं करेंगे, जब आप एडवोकेसी कर रहे होंगे तो तब आप बेसिकली कैसे आपने मैनेज करना है प्लेंट, वो चीज है जो आप लिख के जज के सामने जो मवाद रख रहे हैं, और वो मवाद आपने हमेशा अपने जहन में, अच्छा सक्सेसफुल लॉयर ये कोशिश करता है इस नौयत का, और वो चीजें रखें कि ये जो बंदा बैठा हुआ मेरे फेवर में डिसाइड करें, राइट, उसको कागजात में आपने बरी नहीं करना। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल केस कमजोर है तो फिर आप हजारों के डॉक्यूमेंट जमा करके कर दें कि जज नोटिस तो कर देगा ये कहते हुए कि यार लगता है देखने में कोई इंपॉर्टेंट केस है, इतने ज्यादा कागजात साथ लगे हुए, जुमला बेशक यही हो छोटा मोटा, इस तरीके से ये गोर आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं मैन मैनेजमेंट का, और कैसे प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं वो चीज हमेशा जहन में ये रखना है कि कहानी नहीं यहाँ पे डालनी, आप नॉवल लिखने के लिए नहीं आए, लिखना है तो आप लिटरेचर की जाके क्लास करें और नॉवल नगार बन जाइए, आप नुक्ते पर जाकर अपना मुकदमा जीतने के लिए आए, और उसको कैसे हासिल करना है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है अबिलिटी टू राइट, राइट भी इस तरीके से कहानी नहीं डालनी, लीगल तरीके से और कन्विंसिंग तरीके से कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रेज करना और बंदे को आप कन्विंस कर सकें। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में एबिलिटी नहीं है कमिंग टू द, मैंने ऐसे बंदे भी देखे कि 10 सफे लिख देते हैं एक प्लेंट बनाने के लिए, एसोसिएट को दी, वो मेरे पास आए, मैंने कहा भाई अच्छा ये आप मुझे बताओ ये जी सर पढ़ लें हमने लिख लिया है, मैंने कहा जी नुकता क्या है चाहते क्या हो, उनके पास 4 दिन लगा कर 10 सफे लिखने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि उनका नुकता क्या, बट 10 सफे उन्होंने फिर भी भर दिए हुए एक जुमले में, डेढ़ जुमले में। एक अच्छा वकील, आउटस्टैंडिंग सक्सेसफुल वकील वो होता है who has the ability to go ahead and reduce his entire case to the points, उसको सब चीजों के बारे में पता होता है, अलिफ से जेड तक उसने पढ़ा भी होता है सब कुछ, लेकिन वो पढ़ के आपने पेश नहीं सारी की सारी चीजें सामने करनी होती है, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू कम टू द पॉइंट और वो नुकते बनाओ जिससे आप अपना मुकदमा जीत सको। अन्य वह कहानियां अगर आप डालोगे तो जज या तो बोर हो जाएगा और कहेगा यार फिर कहानियां अगर डालनी है तो किसी और वक्त आपके सुनेंगे, 2 हफ्ते के बाद आना, या अगर जवाब जज कोई स्पेसिफिक सवाल करता है जज के पास टाइम कम होता है वो आपको नुक्ते पे लाने की हमेशा कोशिश करता है, या उसके नजदीक जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं वो आपकी तैयारी, एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड एबिलिटी टू कन्विंस से आता है। ये स्किल्स आपको वहां पे लॉ स्कूल के अंदर बिल्कुल भी नहीं सिखाए जाते, तो लॉ ये सीखने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इन चीजों के ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे। अबिलिटी टू थिंक ऑन द फीट, कॉन्फिडेंस आपके लिए जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस जनरेट भी किया जा सकता है, मैंने जैसे कहा मैं बहुत शाय बंदा था पहले और शायद अभी भी हूँ, बट कॉन्फिडेंस आप कर करके या अच्छी तैयारी के जरिए कॉन्फिडेंस रख के आप मैनेज कर सकते हैं। आगे जाकर किताबों के पीछे मैंने देखी इतनी ज्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं, इनमें से कहाँ से क्या नुक्ता मैंने निकालना है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने फेवर के अंदर कोई केस डिसाइड करवा सकूं, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल है, और किताबों के साथ खेलना इस्तेमाल करना जब तक आपको नहीं आएगा, लॉ स्कूल की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी नहीं आएगी, यू विल नॉट बिकम अ गुड लॉयर। और ये जो सारी की सारी एबिलिटीज हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सारी चीजें ये हो गए, एक सक्सेसफुल वकील कौन सा होता है जिसके पास सबसे ज्यादा केसेस होते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छे प्रोफाइल के केसेस होते हैं, या जिसके पास जो कमाई प्रॉपरली कर सकता है, वो कौन कर सकता है जिसके पास केसेस आते हैं। सारे स्किल्स आप हासिल भी कर लें लेकिन आप लोगों से मिलते मिलाते नहीं है, आपकी जान पहचान नहीं है, जान पहचान वैसे नहीं, जान पहचान नेगेटिव सेंस में नहीं, आप मिलते नहीं है लोगों को, आपके बारे में पता नहीं, अपने घर में आप बैठे हुए बहुत दुनिया के बेहतरीन वकील, और मुकदमा अगर नहीं मिलता तो यू नॉट ए सक्सेसफुल लॉयर, यू आर ए जीरो लॉयर। तो क्लाइंट काम कैसे हासिल करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बेशुमार लोगों के पास ये एबिलिटी है, बेशुमार लोग बहुत वेल कनेक्टेड हैं, बेशुमार लोग उनका ये हो चुका हुआ कि एफिशिएंट बंदे हैं, इफेक्टिव बंदे हैं, वो अपने आप को इस तरीके से मार्केट करते हैं, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के करता है, कोई बहुत जान पहचान से करता है, कोई जान पहचान वाले लोगों का करता है, कोई अपने दोस्तों का काम करना शुरू कर लेता है। तो क्लाइंट्स कैसे हासिल करते हैं, रिटेन कैसे करते हैं और कैसे लेके चलते रहते हैं, ये सारी चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक अच्छे वकील की हैं।
नाउ इन चीजों के लिए आप ये नहीं, खैर क्लाइंट तो आपको अभी तो नहीं मिलने लगे, लेकिन आपके सोशल स्किल्स आपको कुछ इस तरीके से डेवलप करने पड़ेंगे कि डाउन द लाइन जाके आप प्रेजेंटेबल हो, अच्छे लोगों से आप बीच में मिल सकें, उनके सामने बात अच्छे तरीके से कर सकें, और उन लोगों को पता हो कि ये बड़ा काबिल वकील है या वकील बनना जा रहा है। अगर उनके जहन में आप होंगे तो जब आप वकील बनेंगे, सक्सेसफुल वकील बनने के लिए आपको काम मिलेगा। अगर ये पता ही नहीं कि जी आप वकील हैं, कि आपके बेशुमार दोस्त हैं, लेकिन किसी को वकील ही नहीं, आपको किसी खाते में ही नहीं लेते वकालत के अंदर, तो आपको किसने काम बीच में देना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वकालत के अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर शुगल मेले के लिए आप आ रहे हैं, तो इस प्रोफेशन के अंदर शुगल मेला भी आपको बेशुमार दुनिया करने लगी, लेकिन आपने सक्सेसफुल लॉयर नहीं बनना, किसी का एसोसिएट ही जूनियर आप बनते रहेंगे, हर वक्त ही हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, और आप अगर अंडर प्रेशर में डिलीवर नहीं कर सकते, किसी ने आपको कहा कि जी इतने टाइम के ऊपर मुझे चाहिए प्लेंट बना के, या जज के सामने लिमिटेशन का कानून नकल पिटीशन जमा कर, पिटीशन नहीं जमा करवाई, टाइम बार हो गया, मुकदमा खारिज, आइंदा कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा। टाइम प्रेशर, आपकी आपकी जिंदगी में मसले मसाइल आ रहे हैं, आपके 15 और बीच में इश्यूज हैं, मगर अगर आप परफॉर्म उसके बावजूद कर सकते हैं, अगर आप एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, तो वो आंधा आपके पास किसने आना कि यार वो तो बीमार ही रहता है, उसके तो घर के ऊपर बड़े मसले मसाइल हैं, मगर अगर आप हमेशा परफॉर्म करेंगे, वो आउटस्टैंडिंग लॉयर होगा। और इन चीजों के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और भूखे नंगे अंदाज के अंदर आपको अग्रेसिवली इस प्रोफेशन के अंदर लड़ना पड़ता है। और आगे जैसे आप क्लासेस के अंदर फर्स्ट आने की हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको फर्स्ट ना आना आपके लिए गुड इनाफ है, आपके अंदर कंपेटिटिव एज नहीं है, तो वकालत के अंदर आपने कहाँ पे जाके लड़ाई मार कुटाई करके जीतना है, यहाँ पे तो बहुत विशेष मामला आता। और अगर आप अल्लाह तवक्कुल करके बैठ जाएंगे, अल्लाह तवक्कुल करने के लिए फिर अल्लाह तवक्कुल के मामलात के जरिए ही वकालत चलती है, और फिर उतना ही मिलता है, इतने आप सुपर सक्सेसफुल, अल्लाह कई बंदों को सक्सेसफुल कर भी देता है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा ऊपर ऊपर पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल लॉयर होने के लिए बहुत कंपेटिटिवली प्रोसीड करना पड़ता है। ये तो हो गया जी अच्छा वकील किस तरीके से मैं क्या क्या खसूसियात होती हैं, लेकिन आगे चल के अब ये देखते हैं कि अच्छा वकील के अंदर खसूसियात तो पता चल गई, लेकिन वो क्या कर, आपने क्या करना है, आप अपने आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, वालदैन टीचर सारों से इंडिपेंडेंटली अपना जहन इस्तेमाल करना सीखें। वकालत के अंदर मेरे वालिद साहब, मैं 3 पुश्तों का वकील हूँ, जज भी वो रह चुके हुए, पूछने को तो मैं उनसे चीजें पूछ सकता हूँ, लेकिन वो मुझे, उन्होंने ट्रेनिंग हमेशा ये की है कि अगर मैं कोई पूछूं, वो कहते हैं जाओ खुद देखो, वो मेरे से सख्ती नहीं कर रहे, मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको भी ये कहूंगा कि उन्होंने हमेशा कोशिश ये मेरे साथ की है कि मैं अपना जहन इस्तेमाल करके, खुद सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करूँ। क्यों? क्योंकि जब जज के सामने बहस कर रहा हूँ तो अब्बू को कॉल करके मैं नहीं पूछ सकूंगा, आप अपने उस्ताद को कॉल करके नहीं करेंगे, आपने या अपने एक सीनियर को कॉल करके नहीं पूछेंगे, आपने खुद जवाब निकालना है। सो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद जवाब ढूंढने का, और एबिलिटी टू, अगर कोई जज आपसे पूछता भी है तो वहां पे सारे का सारा आपको करना पड़ेगा। सक्सेसफुल लॉयर होने के लिए आपको एक ग्रोन अप और एक मैच्योर पर्सन आई बिलीव होना जरूरी है। आपको चीजों की तह में जाना और चीजों को इम्पर्सनल और प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करना जरूरी है। कॉलेज से जब ज्यादातर दोस्त निकलते हैं, प्रोफेशन में आते हैं, तो उनका शुगल मेले का ही माहौल होता है, और वो सीरियस चीजें हैं, बिकॉज देखिए वकालत के अंदर सीरियस लोगों के घर बिक रहे होते हैं, लोगों के बच्चे उनसे छिन रहे होते हैं, कत्लो गारत हो रहा होता है, उनके साथ आप सीरियस चीजों के साथ डील कर रहे होते हैं। अगर इफ यू आर नॉट ग्रोन अप, और अगर आप मच्योर अंदाज के अंदर क्लाइंट के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करते, और ही हा के अंदर देखने में अभी भी बच्चा ही लगते हैं, या अगर आप द वे यू एक्ट बिफोर अ क्लाइंट वो भी बच्चा ही लगते हैं, तो आप किसी के एसोसिएट तो हो सकते हैं, बट सीरियस माइंडेड लोगों का ये प्रोफेशन है, उसके बगैर यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन दिस केस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक आउटस्टैंडिंग लॉयर में होती है, जो आपको ड्राइव करने है, और इसके बारे में भी बात भी हुई है, आप में ड्राइव और अग्रेसिवनेस होनी चाहिए। अच्छा नुकता निकाल के अगर जेन में ही आपके रह गए, जज को नहीं बता सके या सुना सके, और दूसरी पार्टी ने एक बहस करते हुए आपको किसी और साइड के ऊपर ले गई, तो आप यू आर नॉट अ गुड लॉयर। और अगर आपके अंदर और एक्सक्यूजेस वगैरह आप अपनी जिंदगी में कभी भी इस प्रोफेशन के अंदर नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पे तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, जब भी फैसला होता है तो पता जीतोगे या हारोगे। और अगर आप प्रॉपरली ड्राइव करके नहीं कर सकते, अग्रेसिवली आप चीजें नहीं बीच में कर सकते, तो यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस प्रोफेशन, बिकॉज ये प्रोफेशन
विनर्स को, सक्सेसफुल वकील वो होता है जो कि विनर हो, जीते। अगर आप जीतने की आपके अंदर काबिलियत नहीं है या एहलियत नहीं है तो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, आपको अग्रेसिवली होना पड़ेगा। नाउ रियल लाइफ के अंदर, और ये आपके जो सोशल स्किल्स हैं जिनको आप कंसिडर करते हैं, आपके बेशुमार दोस्त होंगे जो हर वक्त काम के पीछे पड़े रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और उनसे चीजें और काम हासिल करते रहते हैं, और आप कहते हैं कि यार दिल में आप गालियां निकालते हैं कि यार किस किस्म का बंदा है, हर वक्त ये लगा रहता है, वो करता रहता है, ये करता रहता है। मगर बिलीव यू मी, ये सही तरीका है खासतौर पे इस प्रोफेशन में सक्सीड करने का। अल्लाह तवक्कल करके ये वॉल टावर्स, या अगर आप शाय हैं, या अगर आप पीछे होके बैठ गए आराम से और अपने आप को अग्रेसिवली काम आपने हासिल नहीं किया, तो आप क्लाइंट का जाके कहाँ से बीच में मुकदमा करके जीतने लगे हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी आप जिस माहौल में बैठे हुए हैं, मुझे बहुत याद आता है मेरे स्टूडेंट होने का टाइम, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। अब ये देखिए लकीरें पड़ गई मेरे माथे के ऊपर, टेंशन ले लेके लोगों के, लोग हमें टेंशन लेने के लिए पैसे देते हैं, उनकी टेंशन हम अपने लेके उनकी सोल्यूशन हासिल करने के लिए। ये बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आपको, आपको स्टूडेंट्स का मुझे अभी भी याद आता है कि यार कोई टेंशन ही नहीं थी, सुबह मुकदमे की नहीं थी, ये एक 15 चीजें करने के। आपका ख्याल होगा कि आपके लिए बड़े सख्त मसाइल हैं और बड़ा सख्त मामला चल रहा है, मगर एटीट्यूड अपने आप को आपने ट्रेन करना है, और अपने आप को आपने रगड़ा दबा कर देना है। वो अगर आप प्रॉपरली अपने आप को रगड़ा दे के इम्प्रूव कर सके तो आपको प्रोफेशन में भी मतलब नहीं मसला पड़ेगा। मेरी फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, जिसलिए मैं ब्रिटिश एजुकेशन को फॉर एग्जाम्पल ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, वो क्या हुआ करता था जो आपके आपके लॉ स्कूल के अंदर शायद नहीं है, कि ऑक्सफोर्ड के अंदर लॉ मैं बीच में कर रहा था, और ऑक्सफोर्ड का जो प्रोफेसर था उसने प्रॉब्लम मेरी किताब लिखी हुई थी, और ये होता था मेरा 1-to-1 उनके साथ क्लासेस हुआ करती थी, लेक्चर्स आप अटेंड करते नहीं करते वहाँ पे, इंग्लैंड का फॉर एग्जाम्पल सिस्टम जो है सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए डिग्री हासिल की हुई, उनका ये था कि भाई खुद ही जाओ, खुद ही देखो ये सवालात हैं, इनकी तैयारी करके, और उस बंदे ने जिसने किताब लिखी हुई है, हफ्ते में आपकी 1-to-1 के साथ ट्यूटोरियल हुआ करता था 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, उसको अगर आप भुगता लिया, उसका प्रेशर अगर आपने बेस कर लिया, हैंडल कर लिया, तो फिर जज को संभाल सकेंगे। तो अपने आप को भी, आपको आपका सिस्टम वहाँ पे लीगल एजुकेशन का जो है उसमें इस तरीके की चीजें नहीं मौजूद, मगर अपने आप के ऊपर प्रेशर डालिए, 15 चीजें करने की कोशिश करें, अखबारों में भी लिखने की कोशिश करें, वहां पर लॉ जर्नल भी करें, लॉ मूट्स भी चलाने की कोशिश करें, सारी करें, क्योंकि वकालत में भी यही होता है, 15 मुकदमे चल रहे होते हैं, 15 साइड के ऊपर आपको खींचा जा रहा होता, तो उन चीजों की तैयारी करें। ये अब देखें जनरल आपको मैं बता रहा हूँ, ये स्किल्स आप जनरेट अगर करेंगे तो यू विल बिकम गुड लॉयर्स। एक एक चीजें दोस्तों की ये होती हैं, सक्सेसफुल लॉयर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दे रीजनेबल एंड सेंसिबल अबाउट द प्रोफेशन एज वेल। कई दोस्त बाहर से डिग्रियां पकड़ के ले आते हैं मेरे साथ, जो लॉ करके कोई बैरिस्टर्स बन के आए हैं, उनमें से बाहर से जो जितने दोस्त हैं ऐसी फीसद वकालत छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि यहाँ पे आएंगे और उनको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, कम से कम हजारों रुपए तो मिलेंगे यहाँ पे उनको, और 2 सेकंड के अंदर उनके इंतजार में लोग बैठे हुए, क्लाइंट भी बड़े आ जाएंगे। उन्होंने स्ट्रगल नहीं की, ना उन्होंने उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, मेरी भी थी जब मैं यहाँ पे आया था कि मुझे मिलेंगे पैसे। जब मैंने सैयद अली जफर साहब के पास किया, पहले 6 महीने आना नहीं मिला, और उसके बाद फिर 18,000 रुपए के ऊपर, मेरा ख्याल था कि मैं बहुत ज्यादा पैसे डिजर्व करता हूँ 18,000 रुपए पर महीने के ऊपर उन्होंने मुझे शुरू किया। बैरिस्टर मैं था, डिग्रियां मैंने सारी दुनिया से इकट्ठी की हुई थी, मगर अगर मैं अपने दूसरे दोस्तों की तरीके से होता जो प्रोफेशन छोड़ चुके हों, तो मैं उसके ऊपर ही तंग आके बहु अंदाज के अंदर ही वकालत करनी शुरू कर देता। मगर इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मैनेज योर, और जहां पे भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, मैनेज योर एक्सपेक्टेशन, और लड़ने मरने के लिए इस प्रोफेशन के अंदर आएंगे तो लड़ने मरने वाले सक्सेसफुल वकील बनेंगे, नहीं आएंगे तो किसी ने यहाँ पे आपका हाथ नहीं पकड़ना, एक खासतौर पे इनिशियल फ्यू इयर्स में। और धक्के यहाँ पे इतने पड़ते हैं कि लोग वकालत छोड़ के साइड के ऊपर हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि इस प्रोफेशन में और किसी प्रोफेशन में भी और लाइफ के अंदर आपने अपने आप को ये कंसिडर करना है और ये कंसर्न करना है कि इस दुनिया के अंदर किसी बंदे ने, वालदैन ने भी एक हद तक आपका करते हैं, किसी ने आपकी मदद नहीं करनी मुकदमे के अंदर, आपकी कोई अबू नहीं आके को आपकी मदद करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज ये है, सारा कुछ यू हैव टू बिकम इन रियल लाइफ, यू हैव टू ओनली डिपेंड ऑन यू। आपकी सिचुएशन अगर कोई खराब है उसको बेहतर आपने करना है। माना के कोर्ट्स के अंदर चेहरे चलते हैं, माना के 15 खराबियां हैं और लोगों को एडवांटेजेस मिल रही हैं, लेकिन भाई तुम्हारी कहानी तुम ही सिर्फ जानते हो,
उसको अगर अपनी सिचुएशन को आपने अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है तो किसी और ने आकर आपके सिचुएशन ठीक नहीं करनी है। हाँ उंगली पॉइंट तो आप कर सकते हो और अपना दिल तो जला सकते हो, लेकिन क्या तुक है दिल जलाने का, क्या किसी जगह के ऊपर क्या तुक है? अपने स्किल्स और अपनी एबिलिटीज को आपने खुद इम्प्रूव करना। और एक मैंने वो स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल यू राइट योर ओन स्टोरी, आपने जो भी आपके सर्कमस्टांसेस, आपका दर्द, आपका पोजिशन, आपकी वीकनेस कोई आपसे बेहतर नहीं जानता, उसको बेहतर करें और अपनी कहानी अच्छी लिखने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लॉ स्कूल में होते हुए जो जो आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है यार, सिस्टम नहीं है, टीचिंग अच्छा नहीं है, तो आप किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं? ये चीजें तो साथ चल ही रही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आपने मुख्तलिफ साइड्स हैं इस प्रोफेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉलेज की साइड, किताब की साइड। किताब अगर नहीं पढ़ी और नेरी गाइड पढ़ी है, सीपीसी नहीं पढ़ी और पता नहीं कि कैसे मुकदमा कैसे कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी, आप नहीं कुछ कर सकेंगे। अगर आप वहां पे बैठे हुए हैं, प्रोसीजर जो जूरिस्प्रूडेंट्स मेरे नजदीक एक तरीके से एक लेवल के ऊपर यूजलेस सब्जेक्ट है, बिकॉज उसकी कोई खास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। अगर किताबें लिखनी है, गप लगानी है, बहुत सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वकील का जब भी कोई चीज पढ़ता है या कानून को पढ़ता है, उसकी एबिलिटी मेन एबिलिटी ये होती है कि वो फिगर आउट करे कि भाई इसको मैं अपना इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, ये कानून क्या कैसे रहा है, इसका मुझे कैसे मेरे मुकदमे के लिए फायदा हो सकता है, मेरे ओपोनेंट को कैसे फायदा हो सकता है, और अगर मैं दूसरी साइड से पेश हो रहा हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, और इससे एट द एंड ऑफ द डे मैं मुकदमा कैसे जीतूंगा, और उससे इंपॉर्टेंट मैं कमाई कैसे करूंगा। तो सीआरपीसी पीपीसी आपने इस नुकते या नजर से पढ़ना है कि ये आपको बता रही है कि प्रैक्टिकली आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये किताबें जो मैंने शौकिया सजाने के लिए, बेशुमार लोग डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किताबें इसलिए पीछे रखी हुई हैं कि इनके अंदर मेरे अगर मुझे कोई सवाल करे तो उनके जवाब मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। रट्टे का यहाँ पे कोई फायदा नहीं चलता, कितनी चीजें रट लोगे, और रट्टा 2 सेकंड के अंदर पता चल जाता है, जज ने किसी और चीज का सवाल किया तो आप वहां पे कहेंगे कि जी मैंने तो किसी और चीज का रट्टा लगाया हुआ था, मैं उस पे बात करना चाहूंगा, वो नहीं चलता। ज़हन इस्तेमाल करने वाला चलता है, आपकी एबिलिटी चलती है कि आप सवालात के जवाब अखज कर सकते हैं कि नहीं। नकल नहीं चलती, क्योंकि नकल करके आपने अपने दोस्त के साथ बैठ के उसकी डिटेल्स वगैरह या उसके बनाई हुई चीज आपस में डिस्कस करके आपने कर ली, लेकिन वहां पे जाके तो आप अकेले हैं कोर्ट में जज के सामने, वहां पे तो नहीं आप नकल आपको असिस्ट करेगी। सर मैं ये मुझे कंफर्म कीजिए, आवाज वगैरह वैसे सही आ रही है अंजला साहब, अंजला जमीर साहब? जी सर, जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। चलें ठीक है। आप देखिए इम्पॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए, जैसे कि आपको मैंने तमाम दोस्तों से बात यही कर रहा हूँ कि आपने डेवलप करना है कि आपने चीजों का जवाब किस तरीके से निकाल। आप मैं बार 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 ये कर रहा हूँ, क्योंकि वकालत में मैं ही है, अच्छा वकील, आउटस्टैंडिंग वकील मैं ही है। आप कहते होंगे कि यार मैं अकड़ता फिरता, ये है, यूं है, वो है, इस तरीके से सारे का सारा सीधे मुंह बात नहीं करता, बट विनर्स हमेशा कुछ इसी नौयत के होते हैं। और सक्सेसफुल वकील के लिए आपको अपने आप के अंदर ये टेम्परमेंट और ये पॉइंट ऑफ व्यू, मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम क्वाइट, जैसे मैं कह रहा हूँ शाई हूँ, आई एम वेरी सबमिसिव एज वेल, बट वो चीजें भी मैं इस्तेमाल पॉजिटिवली प्रॉपरली कर लेता हूँ, लेकिन जब कोर्ट के अंदर हो जाता हूँ तो फिर मैं ही मैं हूँ। एजाज अहसन साहब सामने से पेश हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता एजाज अहसन साहब पैर हो रहे हैं, मैं उनसे बेहतर हूँ। अगर मेरा ही ख्याल है कि एजाज अहसन साहब बहुत बड़े बाऊ हैं और बहुत जाइंट हैं और मैं उनसे कभी जीत नहीं सकता, तो फिर क्या मैं किस लिए, क्या किसी और को ठीक है एजाज के बराबर कोई वकील कर लेना चाहिए था। कॉन्फिडेंस इज की टू दिस प्रोफेशन, और उसको इस्तेमाल करना, आपकी नॉलेज बेस है उसको इस्तेमाल करके आप कैसे वेपनाइज और इस्तेमाल करते हैं, वो इस प्रोफेशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग की साइड के ऊपर आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी भाई। मैं किया करता था जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, असाइनमेंट देता था, वो कम बंदे भी करके लिख के लाते थे, क्लास 110 बंदों की होती थी, पारमा करवा रहे होते थे, हेडलाइंस अंडरलाइन करके सारा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या जरूरत है उनके बैठ के सारों का चेक करूं या उनको इम्प्रूवमेंट करूं। आप अपनी असाइनमेंट्स नहीं करेंगे या लिखने की एबिलिटी अपनी नहीं डेवलप करेंगे तो जब आपको वकालत के अंदर आके लिखना पड़ेगा तो क्या जादू से आपके पास ये स्केल आ जाएगा सारे का सारा करने का, कि आप या मुंशी को कहेंगे कि भाई ड्राफ्ट करके दे दो,
या जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से या अल्फाज जो प्रॉपरली इस्तेमाल करने हैं, किताबें अगर आप नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, पढ़ा नहीं हुआ, बारे नहीं पढ़ी, करंट इश्यूज के बारे में नहीं पता, करंट जुबान के बारे में नहीं पता, तो क्या ये इल्हाम तो नहीं होना ना जी, जब आपने कागज के ऊपर लिख कर और आपकी रोजी रोटी ताल्लुक रखती है, अच्छी जुबान इस्तेमाल करना, अच्छे तरीके से अर्न करना, इफेक्टिव केस लिखना, नुक्ते के ऊपर जाके बात करना, जुबानी बीच में बात करना जज के सामने जाके, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है किताबें इस्तेमाल करें, ये आपके दोस्त हैं, ये इसको आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपका असलहा है। जो बंदा किताबें नहीं करता, जिसके बंदे को किताबों से चिढ़ है, वो कभी भी अच्छा वकील नहीं बन सकता। किताबों के बगैर भी आप डिसेंट वकील बन सकते हैं, अर्निंग वकील बन सकते हैं, बट एक लेवल के बाद ये सारे का सारा नॉलेज की गेम है। अबिलिटी टू बी नुक्ते को बारीक नुक्ता निकालने की बात हो जाती है, जनरल बात करने के लिए तो FIR के ऊपर करना है, बेल करवानी है, वो तो हो जाएगी, मगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो नुक्ता बारीक से बारीक तर, और जहाँ पे ज्यादा फीस वगैरह मिलती है वहां पे बारीक से बारीक तर बात होनी शुरू हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज आपके पास ये है कि ये, और ये चीज भी आप समझिए, आपका जहन एक मसल है, मसल ये जो जिस्म का होता है, बड़े मसल बनाने का या अच्छे मसल्स बनाने का तरीका ये है, बॉडी बिल्डर से पूछ लें, किसी स्पोर्ट्समैन से पूछ लें, इतना उसके ऊपर प्रेशर डालें, इतने आप डंड निकालें या आप एक्सरसाइज इतनी ज्यादा करें कि आप थक जाएं और ना किए जाएं, और फिर किसी की मदद से या फिर दो और डंड बीच में एक्सरसाइज करें, तीन और करें प्रेशर के अंदर, अगली दफा 2 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप उसका आदी हो गए होंगे, और फिर आप 2 गज और आगे जा सकते हैं। एक एक जुमला जिसके मैं मोहम्मद अली के बॉक्सर जो था, वो मेरा हीरो भी, मैं उसको एक कई अंदाज से कंसिडर करता हूँ, उसके मुताबिक मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ। मोहम्मद अली से किसी ने ये पूछा, भाई तू कितनी सिटअप्स कितने करता है? वो कहता है कि मैं 5 करता हूँ। कह जी 5 करते, पर क्या मतलब 5 करते हो, लोग तो हजारों सौ कई सौ कर लेते हैं, तुम किस तरीके से कर? वो कहता है कि मैं 5 उसके बाद करता हूँ जब मैं ये फील करता हूँ कि मैं और नहीं करता, तो मैं गिनना ही तब शुरू करता हूँ आइडिया, और कहता है जब मैं 5 ये करता हूँ तो अगली दफा फिर मैं देखता हूँ कि मैं 5 और कर सकता हूँ, और फिर मैं वहां से 5 गिनना शुरू करता हूँ। मामला ये है, आपके जो भी स्किल सेट्स मौजूद मौजूद हैं, व्हाट यू गाइस हैव टू डू, आप यहाँ पे जहाँ पे भी बीच में दोस्त बैठे हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश करें प्रेशर के तहत काम करें, ज्यादा काम करें, ज्यादा लिखें, ज्यादा लिखेंगे तो आपकी तैयारी होगी। ये स्किल्स इसी तरीके से आपके इम्प्रूव होते हैं, चीजें करने से होती हैं। वकालत में आपको किसी ने नहीं मौका देने लगा अगर आपने ये खुद अभी अभी से डेवलप करना नहीं शुरू किया। राइटिंग की साइट के ऊपर भी आपका यही, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, राइट अ लॉट, क्लास में भी लिखिए, पेपर्स में लिखिए, लीगल जर्नल्स बनाइए और 10 जगह के ऊपर कीजिए। ये दिस इज एन एसेंशियल स्किल जिसके ऊपर आप, मुझे 1 सेकंड के लिए इजाजत दीजिएगा, अभी नहीं बात कर सकता, बाद में करूँगा, सॉरी दोस्त की कॉल थी और उन्होंने मुझे खूब झाड़ना है कि मुझे इंतजार क्यों करवाया, ओके जाने की मैं लेक्चर दे रहा था। चलें, आप सारे बचाएंगे मुझे इंशाल्लाह। देखिए, एबिलिटी टू राइट लॉजिकली कन्विंसिंगली, और जो चीज़ लिखी है उसको खुद क्रिटिसाइज करें, कैसे लिखा है, बेहतर मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, ये चीज़ क्यों नहीं लिखनी चाहिए थी। मेरे पास बेशुमार दोस्त इस नॉवेल के ऐसे भी एसोशिएट्स आए जिनके एक सफ़े का खत लिखने के लिए बेसिक दिया और पहले जुमले के अंदर 5 और 6 गलतियाँ थी, ठीक करके दिया तो 2 गलतियां और करके पहले जुमले के अंदर ले आए। वो बंदा कभी वकील बन नहीं सकता जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश और अपने राइटिंग स्किल्स को नहीं करेंगे। जुबानी तो वकालत होने से रही, एक रिटन एक लेवल के ऊपर जाके लिखना पढ़ना अनफॉर्चुनेटली जरूरी है, तो इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। कहने को तो लोग ये कहते हैं जिस बंदे से और कोई चीज नहीं हुई, जो डॉक्टर नहीं बन सका वो वकील बन गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज सक्सेसफुल वकील या सक्सेसफुल लेवल के ऊपर जाके अगर आपने वकालत करनी है तो ये आपको, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और ये प्रोफेशन अगर आप मेरे से पूछें इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन देर इज। बोलने की साइड के ऊपर मैं बोलने की स्किल्स आपको करने, लॉ मूड्स, तकरीरें, दोस्तों से वैसे बोलना, अग्रेसिवली बोलना, कोर्ट तैयारी करके जाना, क्लास के अंदर बोलना, ये आपके स्किल्स इंप्रूव करता है। नुक्ते के ऊपर जाके टू प्रिसाइसली बात करना, ये आपको ऐसे अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। वॉल फ्लावर्स ये वकालत नहीं कर सकते, यू हैव टू अपनी ये बोलने के एबिलिटी को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मेरा आपके, मैं आपके आपके सामने अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
मेरी जान जाती थी, मेरी टांगे कांपती थी, मेरे से नहीं बोला जा सकता था। तो अगर मैं बोलना सेक्रेटरी हाईकोर्ट बाहर रहा हूँ, मैंने फिर तकरीरें की हैं और बेशुमार लोगों के सामने तकरीरें की हैं और खुल के बोला हूँ और दबाकर बोला हूँ। हर बंदे को अपनी कम्फर्ट जोन बोलनी ढूंढनी पड़ती है कि वो किस तरीके से, मेरे लिए जरूरी है अच्छा, जिस दिन मेरी तैयारी अच्छी नहीं होती बोलने में मसला पड़ता है क्योंकि मेरा वो स्किल मेरे में मौजूद नहीं। लेकिन अगर मैंने तैयारी की हुई और मैंने अपने जहन में सोचा हुआ सारा कि भाई सक्सेसफुल वकील के लिए कि ये मेरे से सवाल हो सकता है इसका ये जवाब होगा, ये सवाल हो सकता है उसका ये जवाब होगा, इसका ये चीज़ें अगर मैंने 24 घंटे अपने जहन के अंदर डाल के अगर मैंने सोची हुई हैं और अगर मुझे इनके जवाब आते ऑलरेडी रखे तो जज पूछेगा तो मैं टांगे काम के अब इस तरह करके नहीं करना शुरू कर दूंगा, आई विल बी एबल टू आंसर इट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इफेक्टिवली कैसे बोला जाता है इसकी जस्ट जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप बेहतर होंगे आगे जाके सोशल साइड के ऊपर। आपको जैसे पता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वकालत के लिए सक्सेसफुल होने के लिए कि आपके पास काम भी आए। अखबार में अगर आपके मुकदमे रिपोर्ट नहीं होते या लोगों को नहीं पता आप अच्छे वकील हैं तो आपके पास काम ही नहीं आएगा। नेटवर्किंग जिसको कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को आगे जाके आउट आउट ऑफ द वे जाके मिलें, लोगों से डिस्कस करें ताकि लोग आपको जनरली मामलात के ऊपर ताकि कोई आपको टर्न करके यार मेरा भी ये मुकदमा था ये भी यार तू कर दे, पहला मुकदमा बेशक मुफ्त कर दें, अगली दफ़ा फीस चार्ज कर लीजिएगा। ज़्यादा मुकदमे आएंगे तो और बंदे आएंगे, अगले वालों को चार्ज कर लीजिएगा, उसके किसी जानने वाले को चार्ज कर लीजिएगा। अगर इसके अगर आप दुनिया के बेहतरीन वकील हैं भी और अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे जैसे कि कहा तो यू आर गोइंग टू यू आर नॉट अ सक्सेसफुल लॉयर बिकॉज सक्सेसेस का मौका ही नहीं मिला। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप अभी स्कूल के अंदर मौजूद हैं, ये मैंने जैसे कहा प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, ये चीज़ें तो आप कॉलेज के अंदर अपने स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इंटर्नशिप्स और वकीलों से मिलना मिलाना और अपनी जगह वगैरह डिसाइड करना अभी से शुरू कर दें। इंटर्नशिप्स बहुत आपके लिए लाजमी है अगर जाकर आप अपने दूसरे और तीसरे साल में किसी वकील के साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी वकील अच्छा इस तरह काम करता है, इस तरह तैयारी करता है, अच्छा ये प्रोफेशन मुझे पसंद भी है कि नहीं पसंद, कि एंड में जाके मैं कहूँगा नहीं यार मैं तो टीचर ही बन जाऊँ, इतना टाइम वगैरह मुशक्कत करने के बाद ये मुझे सूट भी करता है कि नहीं। और आपको आपकी मोटिवेशन भी डेवलप होगी जब आप देखेंगे कितनी कमाई होती है, कितने अच्छे चैम्बर्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पे प्रोफेशन में बेशुमार मौजूद हैं। करें और आप बीच में सिविल और ट्रायल चैम्बर जहाँ नीचे के कोर्ट्स की का काम होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों की कोशिश करें कि वहाँ पर आप इंटर्नशिप्स कर सकें ताकि दोनों एक्सपीरियंस कर लें। कॉर्पोरेट और बड़े नाम वाले चैम्बर से दूर रहिए बिकॉज ये चैम्बर्स के अंदर काम इस नौयर का होगा कि वो आपको अगले 10 साल तक नहीं मिलेगा और वो आपको कमरे में एयर कंडीशन कमरे में तो बिठा देंगे लेकिन वकालत आपको कख वहाँ पे आप नहीं सीखने लगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा ये है ये आप करेंगे तो आपने नौकरी भी जब लेने जाना है अगर इंटर्नशिप की होगी और वकीलों को जानते होंगे तो पता होगा फलां के पास जाना है वो आपको इंटर्नशिप वाले ही शायद रख लें, अदरवाइज अगर कोरे हो गए मुकम्मल तौर के ऊपर आप गए तो आपको पहली स्टेप के ऊपर ही मसला पड़ जाएगा कि जी आप ज्वाइन कहाँ पे करना है कहाँ पे जाना है। आगे जाके देखिए एक चीज आपको मैं पॉइंट आउट कर दूं कि मकसद आपका इस गुफ्तगू के अंदर ये मेरा नहीं था कि आपको मैं डराऊं कि बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है इसको यूं नहीं करना इसको वो नहीं करना। मैंने आपको अगर कोई चीज बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ मैं इस प्रोफेशन में स्किल्स इंप्रूव किए जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस हासिल किया जा सकता है कर करके जैसे आपको सारी चीजें बता रहे हैं। आपको अपने आप को बेहतर करना है, ये चीज आपको भूखे अंदाज के अंदर आपके अंदर होना चाहिए कि बेहतर से बेहतर मैंने करना है। और एक गलती हुई है पहली दफा हर बंदे को गलती अलाउड है लेकिन दोबारा गलती नहीं करनी, आपको अपने आप का जज बनाना पड़ेगा और वही सक्सेसफुल वकील होता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है टू इम्प्रूव। अदरवाइज कोई पहले दिन से सक्सेसफुल वकील कभी नहीं पैदा हुआ, अगर कोई हुआ होता तो फिर हमें भी मालूम होता। हर वकील ने एसएम जफर साहब के मेरे मशहूर मुकदमे पढ़े नीचे से शुरू करके सरदार इकबाल साहब के पास से मुकम्मल तौर के ऊपर ऊपर जाके ही बिकेम द गोल्ड स्टैंडर्ड काम करके काम किए बगैर तो नहीं वो सीधे वहाँ पे गए। उनकी बैकग्राउंड अगर आप देखें बर्मा से आए थे किस तरीके से उन्होंने इम्प्रूव किया अपने आप को, आप जहाँ से भी शुरू करें अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे जाके दो जल्दी जल्दी इसको मैं रैप अप करता हूँ, दो सवाल दोस्तों के पास आते हैं अभी तो ये मैंने तमाम जनरल दोस्तों के बारे में कर लिए। एक सवाल दोस्त का ये करते हैं कि जी जिनका खासतौर पर जो मुफस्सिल से या लाहौर से बाहर से रहते हैं पढ़ते हैं क्योंकि हम लाहौर में आके वकालत करें कहाँ पे करें सक्सेसफुल लॉयर वगैरह बनने के लिए क्या करना चाहिए, लाहौर से बाहर भी सक्सेसफुल लॉयर्स मौजूद हैं। इब्तदाई साल के अंदर तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने वहाँ पे जाना है जहाँ पे सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग हो सकती है आपकी,
या आप, और दूसरा आपने जहन में ये रखना है, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आके लाहौर में काम किया, बक्कर से एक दोस्त था, आके लाहौर में कानूनी क्रिमिनल लॉ उसने सीखा, उसके बाद जाके अब भक्कर में चला गया क्योंकि भक्कर में बेशुमार उसका कनेक्शन से काम बेशुमार मिलता है, आप एंड में वहां पे ही जाएंगे जहां पे आपको ज्यादा काम मिलता है, तो उधर जाके काम करेंगे। और दूसरा एक अकेली सेगमेंट के बारे में बात करूंगा, आप मेल वकील्स तो हैं बट फीमेल वकील्स को सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पे प्रोफेशन में क्या जरूरत है? ये अनफॉर्चुनेट चीज और शायद सेक्सिस्ट भी आपको लगेगी कि किस किस्म की बात कर रहा है, बट औरतों को भी मर्द बन के वकालत करनी पड़ती है। आसमा जहांगीर प्रॉब्ली मर्दों से ज्यादा मर्द या अग्रेसिव थी, मेरी लीडर थी, मैं उनको मिस भी बेशुमार करता हूँ। एक चीज मैंने ये देखी, हमारा मुआशरा लड़कियों के साथ खासतौर पर ये कोशिश करता है कि जो शर्मीली हों, अग्रेसिव ना हो, सबमिसिव हो, ये हो, मुख्तलिफ चीज़ों के तौर पर डेवलप करता है। ये स्किल्स वकालत में नहीं चलेंगे, इनको आपको बदल के ही प्रोफेशन के अंदर जाना पड़ेगा और प्रोएक्टिवली और अग्रेसिवली अप्रोच करना पड़ेगा, और ये स्किल्स आपको वहाँ से लॉ कॉलेज से ही डेवलप करने पड़ेंगे। एंड में आके आखिरी स्टेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली ऐसी नहीं होती बात के बटन ऑन की और आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार आसमा जहांगीरों की ज़रूरत है भाई, बेशुमार जहांगीरों की गुंजाइश है, और उनसे बेहतर भी वकील हो सकते हैं, वो बेशुमार मौजूद हैं जुडिशरी के अंदर, काफ़ी फीमेल्स आनी शुरू अब हो गई, वेरी वेरी वेलकम एज वेल, बट वकालत के अंदर लाहौर के अंदर नहीं, कराची में फॉर एग्जांपल 40% आपको नज़र आती हैं, सक्सेसफुल लॉयर्स भी वहाँ पे नज़र आती हैं, बट लाहौर में आपको कम नज़र आती हैं। तो आपको यहाँ पे भी शायद लड़कियों के लिए खासतौर पे मेरी एडवाइस ये होगी कि मर्दों से लड़कों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सिस्टम सेटअप ही इस तरीके से हुआ है कि आपको इनकरेज नहीं किया जाता, लेकिन आपको अगर आना करना पड़ेगा तो अग्रेसिवली करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर के अंदर आप सारे लोगों को डराने का मकसद नहीं था यहाँ पे, बात यह कि इस लॉ से बेहतर दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है, इससे ज्यादा मजे का, इससे ज्यादा पेइंग, इससे ज्यादा कमाई वाला, इससे ज्यादा नाम बनने वाला, इससे ज्यादा मीनिंगफुल प्रोफेशन आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, नेहरू, गांधी, मंडेला, अब्राहम लिंकन, रिचर्ड निक्सन भी गंदे काम करने के अंदर भी थे वगैरह, बट आउटस्टैंडिंग जितनी दुनिया में कोई लोगों ने कोई तब्दीली वगैरह लाए हैं या कोई अच्छी चीज की है, आउटस्टैंडिंग लीडर्स थे, वो वकील थे। तो law is something you can give your life to, अपने आप को इसमें dedicate करेंगे तो ये आपको बहुत pay off करेगा, लेकिन शर्त ये है कि जान मार के फिर आपको मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी इसके अंदर dedicate करनी पड़ेगी, और अगर आप अपनी जिंदगी को dedicate करेंगे इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है सक्सेसफुल वकील, मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल ना बनिएगा प्लीज, को मेरी कोशिश होगी, मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करता रहूंगा, दुआ वैसे यही है कि आप सक्सेसफुल वकील बने और मेरे से भी ज्यादा बने, लेकिन एंड में मुकदमा मैं ही जीतूँ आपसे। I look forward to welcome to the profession, और इंशाल्लाह अपने आप को आप मेहनत कीजिए, अच्छा वकील बनिए। दो किताबें मैंने रिकमेंड की हुई हैं स्लाइड्स में, अगर आप देखेंगे आर्ट ऑफ अ लॉयर एक जनरल किताब है और एक ग्लैनवर विलियम्स की लर्निंग द लॉ, वो स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर लिखी हुई है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आपको गाइडेंस मिल सकती है कि प्रोफेशन में बेहतर तरीके से अपने आप को कैसे किया जा सकता है। सो दिस इज काफी एट लेंथ मैंने बात कर ली और जनरली अभी बात की, अब आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो अंजला जमीर साहब प्लीज पूछिए ताकि सवालों के भी कोई जवाब दे दिए जाए आपके सामने। जी डेफिनेटली सर, सर बड़े बेहतरीन तरीके से जो है आपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन है खासतौर पर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा और उनको इनशाला इससे बड़ा फायदा भी होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जो है वो हम चलते हैं। हमारे साथ सैफ खान और उमर खान, ये सर सवाल करते हैं कि प्लीज सजेस्ट अस बुक्स दैट वी कैन रीड बिसाइड्स आवर कोर्स बुक्स। यार देखो दो तीन चीजें, एक तो इसके अंदर दोनों भाइयों ने इकट्ठा सवाल किया, अच्छी बात है एक दूसरे को लेंड। यार देखो दो किताबें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, आर्ट ऑफ अ लॉयर एक इंडियन काफी इतनी मोटी किताब है, यहाँ पे पड़ी हुई, एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको, वो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो पकड़ लीजिए, बिकॉज उसके अंदर वकालत करते कैसे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ लीडिंग लोगों ने लिखा हुआ है कैसे करते हैं क्या है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और यंगस्टर्स के बारे में भी। ग्लैनवर विलियम्स की लर्निंग द लॉ की किताब है जनरल, उसमें वकालत के अंदर कैसे करते हैं। दूसरी आगे जाके आपको सजेशन ये है कि इस वकालत के अलावा आपने क्या कौन सी किताबें, आप वो किताबें पढ़ें जो आपको पसंद है,
दबा के चीजें पढ़ते रहें जी, जो हाथ में लगता है अखबार पढ़िए, सियासत पढ़िए, आपको पसंद है क्रिकेटर्स की बायोग्राफी भी पसंद है वो पढ़ें। बात ये है, आपको मैं यही बता रहा था कि पढ़ने की एबिलिटी आपने जनरेट करनी, जो मर्जी पढ़ें बट पढ़ते जाइए, क्योंकि जहन का एक, जैसे आपको कहा था, एक मसल है, उसको आप जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसकी एबिलिटी आप अपने आप को बनाते रहेंगे, तो आपको फायदा होता रहेगा। मुझे म्यूजिक पसंद है, मेरे पास हजारों की किताब में म्यूजिक की किताब है, शेरो शायरी पसंद है, शेरो शायरी की किताब में, बट पढ़ो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कोई स्विच नहीं, मेरा इनिशियली ख्याल ये था कि हैं मेरे अब्बा जी हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हैं, वकालत में भी किताबें पढ़ते रहते हैं, वापस आके भी, एक जमाने में मैंने किताबें पढ़नी छोड़ दी थी वकालत के अलावा, कि यार क्या है, हर वक्त किताब ही पढ़ते रहे बीच में, लेकिन मैंने जाके ये सब फिगर आउट किया और देखा भी है कि मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, जहन बेहतर चला जब मैं किताब पढ़ के, और किताब अन्यवा नहीं पढ़नी कि जी नॉवल पढ़ना है, एंड टू एंड जाके अगर नॉवल पढ़ रहे हो तो ये फिर उसको एनालाइज करो, बी हैव द एबिलिटी टू थिंक अबाउट इट एंड हैव कमेंट्स अबाउट इट, कि उसने क्या अंदाज किया, क्या ये इफेक्टिव था कि नहीं, इसने कैरेक्टर्स किस तरीके से बीच में बिल्ड किए, लिखने की कोशिश करो, एनालाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एबिलिटी अगर आप जनरेट कर लोगे ना, एक तो होता है अन्यवा पढ़ना, एक आंख से देखा और कान से बाहर निकल गया या वैसे निकल गया, अगर आपका दिमाग चलना शुरू हो गया और आप क्रिटिकली किसी चीज को के बारे में, मैं म्यूजिक के बारे में अखबारों में लिखता हूँ, किताबों के बारे में अखबारों में लिखता हूँ, एक तो शौक है, लेकिन वो इसलिए लिखता हूँ कि ये वकील की एक जरूरत होती है, किताबों को इंजर पिंजर अलहदा करना, क्रिटिकली सोचना उनके बारे में, तो जो कुछ मेरी तरफ से जो कुछ पढ़ो यार, लेकिन पढ़ते रहो, दबा के पढ़ते रहो, और उसके बारे में लेकिन ऐसी चीजें पढ़ो जो कि आप क्रिटिकली इस्तेमाल भी कर सको। अगर वकालत से ताल्लुक रखने वाली पढ़ो लिटरेचर, अच्छा कोई कोई पढ़ो, तो शर्त यह है कि पढ़ते रहो, और दूसरी शर्त यह है कि फिर अगर पढ़ ही रहे तो कोई इंटेलिजेंट चीज वगैरह पढ़ लो जिसको लोग अच्छा तस्वर करते हैं। जी अंजला साहब, अगला सवाल। राइट सर, सर फरजाना अल्ताफ, शी इज आस्किंग कैन यू लिस्ट बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान। यार मैडम फरजाना, आई कांट लिस्ट एनी लॉ कॉलेजेस इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं जिनको मैंने काफी एक्सपीरियंस किए हैं, काफी जाके देखे हैं, आई डोंट रेट एनी ऑफ देम एट ऑल। बाहर जो चीज देखी है उसके मुकाबले में तो मजाक है, यहाँ पे रट्टा है, और शीटों पे शीटें भरनी है, नुक्ते के ऊपर बात करना नहीं है। मैं जिस लॉ कॉलेज से इम्प्रेस हुआ हूँ, लोगों का ख्याल था, खैर अगर फैसिलिटीज वाइज आप कंसिडर करें, अगर आपका दाखला हो जाए तो लम्स लॉ स्कूल सबसे शहजादों का कॉलेज है, मगर वो बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, और मैंने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग वकील वहां से अभी तक निकलते हुए 10 साल हो गए मेरे ख्याल में उनको हुए हुए, फैसिलिटीज भी बढ़िया है लेकिन निकलते हुए मैंने नहीं देखा। द वन आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई इज प्रॉबली पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ। अब बेशुमार लोग एक जमाने में उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर करते थे, बट मैंने जब वहां पे पढ़ाया तो मैं पार्ट टाइम भी पढ़ाया, फुल टाइम भी पढ़ाया, कोर्स कोर्स इतना आउट ऑफ डेट था, स्टूडेंट्स भी ऐसे स्टूडेंट्स भी मुझे वहां पे मिले, अंग्रेजी में पढ़ाता तो कहते नहीं जी उर्दू में पढ़ाएं, उर्दू में पढ़ाना शुरू किया तो कहते हैं यार समझ नहीं, पंजाबी में पढ़ाएं, तो 150 की क्लास के अंदर मैं अगर कोई असाइनमेंट सेट करता था तो 5 करके लाते थे, वो इश्यूज वगैरह। बट मेरी मेरा फेवरेट अगर आप पूछें तो कनेड कॉलेज के अंदर जो लॉ कॉलेज है, आई बीन वेरी इंप्रेस्ड बिकॉज वो लोकल LLB करवाते हैं, और वहां से जो लड़कियां आजकल ट्रेन हो रहे हैं, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय देयर स्टैंडर्ड, मगर वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, अक्रॉस द बोर्ड अदरवाइज सुनी सुनाई बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज या लाहौर का, बाकी आई डोंट नो, आई कांट रियली रियली रिकमेंड, मैंने कोई इतने आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देखे ही नहीं कि जिनको इतना खास जज करता हूँ। एक चीज आपको आखिर जरूर कहूँ, लॉ स्कूल जो मर्जी आप पढ़ रहे हैं, खुदा के लिए एक्सटर्नल LLB वाला डिग्री ना करनी शुरू कर दीजिएगा, पाकिस्तान में रहकर अगर आपने पाकिस्तानी LLB, हाँ आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, पढ़ने लिखने का आपको थोड़ा बहुत हो जाएगा आपके स्किल, मगर आपने CRPC PPC CPC अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको इस प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस मसले पड़ेंगे, तो उन उन डिग्री से आप थोड़ा सा दूर रहिए। लॉ कॉलेजेस एक हद तक ही होते हैं, सारे अनसक्सेसफुल हैं, बट मेरी सजेशन आपको यही होगी कि उससे दुनिया के आप पाकिस्तान के बेस्ट लॉ कॉलेज में भी होंगे, मुशक्कत आपको अपने आप खुद ही करके इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, वी आर ऑल इक्वली एज बैड। राइट सर, राइट सर, मिस्टर नासिर इज आस्किंग हाउ आई कैन इम्प्रूव माई ड्राफ्टिंग स्किल्स एज वी आर नॉट टॉट ड्राफ्टिंग इन आर लॉ स्कूल्स।
यार देखो दो तीन चीजें, ये बहुत फंड अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छी ड्राफ्टिंग देख के, अच्छी ड्राफ्टिंग समझ के, ड्राफ्टिंग बार बार करके, कोई भी स्किल जिंदगी के अंदर होगा, ड्राफ्टिंग का होगा, वो करने से, बार बार करने से आता है, उसके साथ ही होगा इम्प्रूव। ड्राइंग अगर आपने करनी है तो मास्टर्स भी आखिरी दिन तक करते कर करके ही बेसिकली बेहतर आर्टिस्ट बने। ड्राफ्टिंग स्किल्स की मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं, प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, महमूद की किताब है फॉर एग्जाम्पल, ये लॉ ऑफ रीडिंग। मैं नॉर्मली यंगस्टर्स को कहता हूँ कि इसकी तरफ मत जाइए, इसके अंदर हर किस्म के भी ड्राफ्टिंग हो के भी लॉ ऑफ प्लीडिंग्स की पड़ी हुई है, और मेरे पास यहाँ पे इसलिए पड़ी हुई है कि अगर मेरे किसी एसोसिएट को चाहिए तो वो मेरे से आके मांगे। मैं उनसे इंसिस्ट करता हूँ कि भाई पहला ड्राफ्ट तुम खुद करोगे, नकल उतार के यहाँ से नहीं करोगे। नकल उतारने के लिए अच्छी किताब है, इसमें अच्छे वकीलों ने ड्राफ्ट किया हुआ, काफ़ी अच्छे ड्राफ्ट भी मौजूद हैं, बट ड्राफ्टिंग आप करने से ही सीखते हैं। और उसके बाद ड्राफ्ट करके उसके ऊपर अपना क्रिटिसिज्म लीजिए, किसी को दिखाइए, और अपना जहन इस्तेमाल करके करते हैं, समझने की ये जरूरत है। जो दोस्त गलती करते हैं, मेरे एक एसोसिएट ने कल की हुई थी कि एक तो ड्राफ्ट कहानी डालने के लिए नहीं, मामला मोस्ट इफेक्टिव तरीके से अपने आपके जो फेवर में नुकते हैं वो करें, दूसरा जजमेंट साइड करने के लिए ये नहीं बना हुआ, और आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं बना हुआ, आर्ग्यूमेंट्स आपने अलहदा करने होते हैं। ये किसी को कन्विंस करने के लिए प्लेंट नहीं होती है, प्लेंट होती है वो नुक्ते अपना कॉल ऑफ एक्शन, अपना केस सेटअप करने के लिए। कन्विंसिंग इज समथिंग डिफरेंट। मेरा दो मेरे एसोसिएट ने फॉर एग्जांपल जो ड्राफ्टिंग की हुई थी, उसने हर आर्ग्यूमेंट लिख के, अगर ये आर्ग्यूमेंट होगा तो एंज है, ये है वो हो, इस तरह रिट के अंदर अगर आप ग्राउंड ड्राफ्ट करें वहां पर तो आप लिख सकते हैं, बट अगर आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ नौइयत की, तो प्लेंट की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें नहीं लिखनी होती। तो डिपेंड्स आप क्या चीज़ ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये जो सटल चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादातर प्रोफेशन के अंदर आने से ही होंगी, और आप इस स्टेज के ऊपर प्रॉपरली ड्राफ्टिंग आपकी आपका लॉ के ऊपर उबूर है नहीं, आप प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं करना सीखेंगे। मेरी सजेशन आपको सिर्फ ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, इफेक्टिव लिखने की और क्रिटिकल लिखने की कोशिश करें। ड्राफ्टिंग आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आती रहेगी। इट्स वेरी गुड यू आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट इट राइट नाउ, बट ये स्किल 80% 90% आपको प्रोफेशन में आकर ही प्रैक्टिकल केसेस करके ही समझ आती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अच्छी ड्राफ्टिंग मैंने तब करनी शुरू की जब मैं अपने जाती केसेस करने शुरू किए, बिकॉज उसकी फिर आपको फिक्र ये होती है कि इसमें ये गलती रह गई तो मैं इसको, मेरे से ये पूछा जा सकता है, या मैंने जब उन पे बहस करनी शुरू की, ड्राफ्टिंग की कमी कोताहियां आपको बहस करने के बाद पता चलती हैं, अगली दफा वो गलती ना करें। अगर आप किसी और के लिए कोई ड्राफ्ट करके ले आते हैं उसको करेक्शन करके वो खुद जाके जमा करवा के मुकदमा आर्ग्यू कर लेता है, और आपको कभी समझ नहीं आती कि इसमें कमी कोताही रह क्या गई, अगर आप अपने सीनियर के साथ भी हैं तो वो क्यों तब्दीलियां ड्राफ्टिंग के अंदर करता है, वो आप एनालाइज करके ही आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव करती है। बेसिक ड्राफ्ट्स करने के लिए तो वो सीपीसी के एंड के अंदर बने हुए हैं यार, जो प्रेसिडेंट्स हैं कि जी ये इस्तेमाल किस नौयत के होंगे सूट्स, बट उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगा। राइट सर। सर ये मिस्टर दाऊद हैं, ये कहते हैं कि मैं अपनी LLB डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब मैं प्रैक्टिस करूं तो उसमें किस चीज पर मैं शुरू में फोकस करूं? यार बात ये है कि आपको मैंने ये सजेस्ट किया है कि आप प्रैक्टिस से पहले ही आप इंटर्नशिप्स कर लें सिविल और क्रिमिनल साइड के ऊपर, आपको खुद थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको क्या चीज पसंद है, किसमें आपको ज्यादा मजा आता है, किसमें आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और मजा वगैरह रेलेवेंट नहीं है आपके जहन में, ये क्लियर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो कॉर्पोरेट वकील बनना है, मैंने ये करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये, आपने वो वकालत करनी है जिसके आपको केसेस आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जिस चीज के आपको केसेस आते हैं। तो मेरी सजेशन आपको सिर्फ यही होगी, और हत्तुल इम्कान कोशिश ये होगी कि पहले 3 साल 2 साल अव्वल तो आपको इंटर्नशिप्स के जरिए आपके कनेक्शंस और आपको लोगों को इस नौयत पे मिल लेना चाहिए वकील वकालत में, कि ये जहन आपका खुद ही क्लियर हो गया होगा कि यार मैंने फलां के पास काम करना है, अच्छा जाके बतौर इंटर्न काम करेंगे तो वो आता, और आपको अब चेंबर में चलवाना चाहेंगे। मेरी सजेशन आपको ये होगी कि इब्तदा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का के मुकदमे तो आपको 10 साल के बाद मिलेंगे। आपको तो शुरू में जाके वो काम आपको सीखना चाहिए जो कि फॉर एग्जाम्पल जो आपको पहले दिन जिस दिन लाइसेंस मिलेगा उस दिन आपको मिलेगा, यानी शुफे के कोई दावे, फैमिली के, इनहेरिटेंस के दावे, सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना, सादा सिविल सूट्स, छोटी मोटी बेल वगैरह, वो चीजें करें और ऐसे चेम्बर्स को जाके टारगेट करें और वहां पे काम, बिकॉज आप इनिशियली काम सीखने जा रहे हैं
और जब तक आपको बेसिक चीजें करनी नहीं आएंगी, इट इज यूजलेस फॉर यू टू गो टू किसी बड़े बड़े चैम्बर्स के ऊपर, या नाम के ऊपर, या एतजाज साहब के साथ, या इवन कमिंग टू माई चैम्बर. मैं ज्यादातर हाईकोर्ट में काम करता हूँ, मेरे वाले साहब सुप्रीम कोर्ट में करते हैं. हाँ, सिविल कोर्ट में केसेस हैं मेरे पास, मैं जाता भी हूँ, लेकिन मेरे पास एक्चुअली बड़े साइज के केसेस हैं जिनको आपको अगले 5 साल तक वो नहीं काम मिलने लगा. मैं अगर बड़ी आर्बिट्रेशन लॉ का आपने करके आपने आर्बिट्रेशन सीख भी ली, तो भाई अगर तुम्हें वो काम ही नहीं मिलना तो तुमने गेन क्या किया? वो 5 साल या 10 साल के बाद जाके तुम्हें काम मिलेगा. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, अपने करियर को इस तरीके से फोकस करें कि इस फलां चीज में मुझे क्या फायदा है, मैंने उधर जाना है जहां से मुझे सबसे ज्यादा वो चीजें मैं सीखने को मिले, यानी ट्रायल वाली जगह के ऊपर, और ज्यादा जजेस से इंटरेक्ट हो, जहां पे ज्यादा काम हो. अगर आपके वकील साहब के पास दिन में केस ही, हफ्ते में केस ही दो हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो उसका क्या आपको फायदा हुआ? दो जजेस ने तो, आर्बिट्रेटर ने आपको इंटरनेशनल जगह पे अगर देख भी लिया, तो आपने तो मुकदमे जाके सिविल कोर्ट के अंदर जब भी आएंगे, तो बेहतर वो आपके लिए वो बंदा होगा जिसके पास दिन के अंदर 20 केसेस लगे हुए, 20. अगर आप चाहे आपको डेट्स लेने के लिए भेजाओ, 20 जजेस के सामने जाके पेश तो होगे, रीडर्स के साथ तो लेक से लेक होगी, जाके मिलोगे तो सही, ताकि जब अपना मुकदमा लेके जाओगे उनके पास, तो कम अज कम ये तो नहीं कहेंगे केड़ा उठ के आ गया, उसको तो ये नहीं पता इस साइड पे खड़े होना है कि इस साइड पे खड़े होना है. और आपके सामने 20 20 मुकदमों में डेट्स लेने जा रहे, 20 मुकदमों में कम से कम कोर्ट में और लोगों को तो बहस करते हुए देखोगे, तो 20 मुकदमे और से और आगे आपके सामने एक्सपीरियंसेस आएंगे. तो ऑलवेज गो वेयर अ लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग, और उस नौयत का काम जो कि आपको काम आगे आइंदा मिल सकता है, ऐसे चेंबर्स को टारगेट करें और वहां पे जाइए. राइट जी सर. सर मोहसिन अली अनवर सर ही इज आस्किंग, सर टेल अस बुक्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लॉ एंड हाउ टू स्टार्ट कैरियर इन कॉर्पोरेट लॉ. मोहसिन भाई, कॉर्पोरेट लॉ की कोई खास यहाँ पे किताबें मौजूद नहीं है, और ये बिल्कुल भी आपको अपने आप को मीलों दूर रखना चाहिए कॉर्पोरेट लॉ से. मुझे भी कॉर्पोरेट चेंबर लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आपने इनिशियली 5 साल जाने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आप अगर तो आपने नौकरी करनी है किसी चेंबर के अंदर जाके, किसी बड़े चेंबर के अंदर, और आप वहां पे जाके सीखना चाहते हैं, वहां पे आप जाके डेफिनेटली सीख सकते हैं. लेकिन मामला ये, फॉर एग्जांपल आप कॉर्नीलियस लेन एंड मुफ्ती, बड़ा कॉर्पोरेट चेंबर है, वो आपने जाके ज्वाइन कर लिया, वहां पे आप काम करते रहे, तनख्वाह के ऊपर ही रहेंगे, और डाउन द लाइन जाके अगर आपको कहा जाता है, और जब आप अपना छोड़ेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस में जाएंगे, तो उनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ नहीं जाने लगे, वो सीएलएम के पास ही रहेंगे, और आपने एक ऐसी चीज के अंदर, ऐसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज कर लिया होगा जिसके बारे में आपको पहले 10 5 साल काम ही नहीं आना, और अगर काम ही नहीं आना तो उसका भी वो हासिल करने का आपको फायदा क्या? मगर चलें, आपने पूछा है सवाल, तो सवाल का जवाब ये दे देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर, अव्वल तो कॉर्पोरेट लॉ है क्या, दो अलहदा चीजें, एक कंपनी लॉ है और एक बैंकिंग लॉ है. बैंकिंग लॉ के ऊपर कोई खास किताबें मौजूद नहीं है, कोई भी कॉमेंट्री पकड़ लीजिए बैंकिंग लॉज के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001, रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001, उसके ऊपर कॉमेंट्री ले लीजिए. और अगर आपने कंपनी देखना है तो कंपनी एक्ट नया आया है 2017 का, उसके ऊपर कोई कॉमेंट्री आपको खास मिलेगी नहीं, वो पकड़ लीजिए. अगर सही तरीके से सीखना है तो इंडिया की कंपनी लॉ सीखना है, तो इंडिया में कंपनी लॉ स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर अवतार सिंह की अच्छी किताब है, और जिस किताब को बाइबल कंसिडर किया जाता है वो रमैया की किताब है, इतनी मोटी, दो दो या तीन वॉल्यूम्स के अंदर आती है इंडिया की कंपनी लॉ की, वो देख लीजिए. बट मेरी सजेशन आपको ये है, तमाम दोस्तों को ये है, अपने आप को इनिशियली, अगर आप अपने आप को कॉर्पोरेट लॉ के अंदर महदूद कर लेंगे या स्पेशलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने करियर को एक तरीके से तबाह कर रहे होंगे, अनलेस आपकी डिग्रियां बड़ी बहू अंदाज के अंदर और बड़े हाई लेवल की हों. इसके अंदर समझने की बहुत, ठीक है वाइंडिंग अप क्या होता है, कंपनी क्या होता है, ये नोशंस वगैरह आपको होने चाहिए, बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट अगले अपने प्रोफेशन में, और खास तौर पे इस स्टेज के ऊपर मत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें. ठीक है, डिग्री पास करने के लिए आप पढ़ लीजिए कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह पढ़ लीजिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी की सारी चीजें, मगर ये चीजें होती हैं प्रोफेशन में आने के 2 या 3 साल के बाद कंसिडर करने की, अभी मत छेड़िएगा इसको. सर सैफुर रहमान है सर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या वकालत में इंग्लिश की खासी अहमियत है?
सब सब अंग्रेजी के बगैर गुजारा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नीचे वाले कोर्ट्स जो हैं सारे के सारे ज्यादातर उर्दू के अंदर, आई मीन प्लेंट्स वगैरह उर्दू का गुजारा अच्छा हो जाता है, और उर्दू आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी भी चाहिए अगर आपने एपलेट वर्क और करना है ऊपर। बट हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर अच्छा वकील बनना है अंग्रेजी के बगैर गुजारा ही नहीं। अंग्रेजी इंप्रूव आप कर सकते हैं बोलने से और पढ़ने से, अखबार अंग्रेजी का पढ़ें, रोज पढ़ें, आदत करें, प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें, ड्राफ्टिंग के अंदर वो जुबान इस्तेमाल करें जिसका मतलब आता हो, सादी ड्राफ्टिंग करें, बढ़ाने की कोई बढ़ा चढ़ा के अल्फाज वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं जिनका मतलब नहीं पता, लेकिन बोंगी, बिकॉज अगर एक बोंगी मार दी और ऐसा अल्फाज लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जिसका मतलब नहीं है और कोई और मतलब निकल जाता है तो लतीफा बन जाता है बंदा। मामला ये है अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी के बगैर, और सारी की सारी जजमेंट्स और साइटेशंस पीएलडी उर्दू के अंदर आपको कम ही मिलती हैं जजमेंट्स, सारी की सारी 99% अंग्रेजी के अंदर है। तो जब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकेंगे तो गुजारा नहीं होने लगा। अंग्रेजी स्किल्स बोलने से और सुनने से, और टीवी प्रोग्राम देखो यार अंग्रेजी की, अंग्रेजी की फिल्में देखो, समझने की कोशिश करो, वो जुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करो, अंग्रेजी गाने सुनो ताकि जुबान में रवानी आए, कॉन्फिडेंस बने, अंग्रेजी गानों के साथ गा के देखो ताकि जुबान के ऊपर चढ़ जाए अल्फाज। ये चीजें अगर आप कर सकते हो, देखने में तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन मामला ये है कि आपने उस जुबान को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपकी जुबान में रवानी आए और आप ऐसे, और आपका एक्सेंट बेहतर हो। वो टेलीविजन सीरीज वगैरह आप देखें, फिल्में आप देखें, जो चीज देखते हैं समझने की कोशिश करें और अप्लाई करने की कोशिश करें, यही तरीका है। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत खराबी है आपकी, उर्दू खास तौर के ऊपर बेशुमार जगह के ऊपर अंग्रेजी तो सिखाई ही नहीं जाती, मगर ये प्रोफेशन अंग्रेजी के बगैर चलने नहीं लगा। नीच अदरवाइज सिविल कोर्ट के वकील ही आप, वहां पे भी काफी सक्सेसफुल वकील मौजूद हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को बहुत हद तक महदूद ही करके रखे रखेंगे, और अंग्रेजी वाली अथॉरिटीज के बारे में अगर पता ही अंग्रेजी समझ ही नहीं आ रही तो जजमेंट किस तरीके से साइट करेंगे सिविल जज के सामने भी। राइट सर, सर हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स। हाँ मुझे भी, आई होप ज्यादा मुझे फीडबैक वगैरह नहीं मिला तो इतना ज्यादा मुझे शौक नहीं, मैं बोलता ही वकील हूँ लेकिन बोलता ही जाऊंगा, बोलता ही जाऊंगा अगर जरूरत होगा। आई होप आई टॉक्ड ऑन द टू द पॉइंट एज वेल। मेरे लिए ऑनर था कि आप लोगों ने भी मुझे इन्वाइट किया। आई होप यू गाइज फाउंड दिस यूजफुल एज वेल। मेरे लेक्चर्स, वो स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हुई है, लेक्चर्स और स्लाइड्स हमेशा अवेलेबल हैं दोस्तों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर लोग मेरे से इंटरेक्ट भी करें। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो फेसबुक पे बात कीजिए या यूट्यूब के ऊपर मैसेजेस वगैरह दीजिए, जो भी है आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प इस प्रोफेशन के अंदर, बिकॉज इस प्रोफेशन का एक मजा ये भी है कि यंगस्टर्स और दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने का भी काफ़ी, इट्स सोशल प्रोफेशन एज वेल, मज़ा भी काफ़ी आता है। It's good fun. Thank you for inviting me, Anjala साहब, दोबारा। और आपकी पूरी की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, आज के हमारे सेशन का यही इख्तिताम होता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।